हेलो स्टूडेंट्स, बीए में गेस्ट पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कॉस का पावर एम एक्स कॉस एन एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम पावर में है और यहाँ का एन एंगल में है, दोनों जगह कॉस ही है। तो यहाँ अब यही सेम चीज यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू लिमिट है। अब अगर एग्जाम में लिमिट वाला भी आ जाए ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जाम में लिमिट वाला भी आता है तो भी आपको दोनों बनाना पड़ेगा। और जनरली एग्जाम में लिमिट वाला ही आपसे पूछेगा, ठीक है? तो अगर लिमिट वाला आता भी है तो भी आपको पहले विदाउट लिमिट वाला प्रूफ करना पड़ेगा, फिर लिमिट वाला। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले देखिए हम क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कॉस का पावर एम एक्स और कॉस एन एक्स टी एक्स, और लिमिट यह है जीरो से पाई बाई टू कॉस पावर एम एक्स और फिर कॉस एन एक्स टी एक्स। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इसमें क्या होगा देखिए, तो सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए काम करते हैं, हम इसको कुछ नाम देते हैं। यहाँ एम है, यहाँ पे एन है ना, तो इस इंटीग्रल को नाम दे देते हैं यू, और यहाँ वाला एम को दिखाने के लिए यहाँ एम, यहाँ एन को दिखाने के लिए यहाँ पे एन। ये हमने यू एम एन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा कि यू एम एन इक्वल टू दिस कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे पता है, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन में पार्ट लगाने के लिए। दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। आपको बहुत अच्छा पता है कि फर्स्ट फंक्शन बाहर होता है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन देते हैं, और उसके अंदर में क्या, जिसको बाहर कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन, और फिर जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं फिर से इंटीग्रेशन, फिर पूरा क्लोज करके dx इंटीग्रेशन फिर से। नेक्स्ट आ जाइए, इसको एज इट इज रख दिए, cos के पावर m x ठीक हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, ध्यान रहे डिफरेंशिएशन में नेगेटिव होता है, इसमें नहीं। तो cos का इंटीग्रेशन sin, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, और nx का डिफरेंशिएशन नीचे देते हैं हम लोग, तो nx का डिफरेंशिएशन n आ गया, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन ये हो गया sin nx / n। माइनस था माइनस दिए, ये था ये दे दिए, डिफरेंशिएशन करिए तो कॉस का पावर एम का डिफरेंशिएशन, एम आगे पावर में एक कम, एम आगे कॉस का पावर एम माइनस वन एक्स। फिर चैन रूल से कॉस का देंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा जी, साइन एन एक्स बाई एन। अब नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस सॉरी ये एम बाई एन बाहर होगा और यहाँ से एम गुना होकर के बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ का माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस एम बाई एन जब बाहर करेंगे तो माइनस को पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस एम बाई एन बाहर आएगा। तो यही चीज हम क्या करेंगे, प्लस एम बाई एन बाहर आएगा, तो हम नीचे वही लिखेंगे यू एम एन इक्वल टू कॉस का पावर एम साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन। देखिए एम बाई एन प्लस हो गया, ये माइनस और यहाँ का माइनस बाहर हो गया प्लस हो गया, और फिर कॉस का पावर एम माइनस वन एक्स, और फिर यहाँ पे है साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स। दिस इज रिलेशन नंबर वन बाहर में डी एक्स है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब पता है इस रिजल्ट में ना हम एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये वाला हिस्सा साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स, इसका कुछ वैल्यू अलग से निकालेंगे और ला करके यहाँ रखेंगे। क्या साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू अलग से निकालेंगे और ला करके यहाँ रखेंगे, इसीलिए इसको रिलेशन नंबर वन नाम दे दिए। अब करते हैं इसका वैल्यू निकालने का व्यवस्था, कैसे करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्यों यहाँ पे क्या करें, कॉस एन माइनस वन एक्स लेकर के चलना है। अब बोले ऐसा क्यों पता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कॉस एन है ना रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब कुछ रिडक्शन होना चाहिए, कुछ रिड्यूस होना चाहिए। तो कॉस एन एक्स है ना, कॉस एन एक्स है ना, तो एन माइनस वन एक्स कुछ हम ऐसा करना चाह रहे हैं, एन है एन माइनस वन एक्स हम करना चाह रहे हैं, एन एक्स है तो एन माइनस वन एक्स करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस चीज से ही चलना शुरू करते हैं हम लोग, कॉस एन माइनस वन एक्स चलना शुरू करते हैं। तो आपको पता है जी एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई एक्स एन के साथ भी है वन के साथ भी, तो कॉस एन एक्स माइनस एक्स, और आपको पता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस एन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एन एक्स साइन एक्स, समझ पा रहे हैं, कॉस ए कॉस बी, एक जगह पे एन एक्स है बी की जगह पे एक्स है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख दिया हमने। बट मुझे चाहिए क्या था स्टूडेंट, मुझे चाहिए था साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स मिल गया क्या अपने को, ये मिल गया ना, तो साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो कॉस एन एक्स एन माइनस वन एक्स और ये चीज माइनस में, तो साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे मिलेगा साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा कॉस एन माइनस वन एक्स माइनस में कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इज रिलेशन नंबर टू। Putting two in one, we get sin nx into sin x का जो ये वैल्यू आया है उसको, जो टू में आया है वैल्यू उसको पुट कर देंगे वन में, मतलब इसके जगह पर जो बड़ा सा वैल्यू आया था उसको ले जाकर के पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे कि यू एम एन इक्वल टू कॉस का पावर एम साइन का पावर एन साइन एन एक्स है, ये एंगल में है, ये एन ये एंगल में है और नीचे एन प्लस एम बाई एन, ठीक है, कॉस का पावर एम माइनस वन एक्स था, ठीक है, यहाँ पे था वैल्यू, यहीं पे था वैल्यू साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स यहीं पे था, तो उसके जगह पे ये वाला पूरा वाला वैल्यू लेके इसको कॉपी करके यहाँ पे ला करके रख दिया। क्या किसी को दिक्कत है, बाहर में डीएक्स था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे पता है, ये वाला जो जैसे था ना, ये वाला इससे गुना होगा एक बार, और यही वाला एक बार इससे गुना होगा,
दो बार बस काम खत्म, इंटीग्रेशन फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, जरा देखिएगा, ये यू एम एन इक्वल टू कॉस का पावर एम साइन एन एक्स बाई एन, ये एज इट इज रह गया, एम बाई एन एज इट इज रह गया। ध्यान दीजिएगा, ये एम बाई एन हम गुना भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी बांट दे रहे हैं, एक साथ दो स्टेप्स कर रहे हैं। देखिए पहले बात, जब इसको आप इससे गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कॉस का पावर एम माइनस वन एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स इसी यही रह जाएगा और एम बाई एन इंटीग्रेशन रहेगा। तो वही हमें एम बाई एन कॉस का पावर एम माइनस वन एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स डी एक्स एज इट इज रह गया। नेक्स्ट जब, लेकिन जब ये इससे गुना होगा ना तो क्या होगा, कॉस का पावर एम माइनस वन और यहाँ पे कॉस का पावर वन, एम माइनस वन और कॉस का पावर वन क्या हो जाएगा, बेस से पावर एड होगा क्योंकि गुना ना हो रहा है जी। तो कॉस का पावर एम माइनस वन और यहाँ कॉस का पावर वन, बेस सेम, गुना होगा तो क्या होगा, पावर एड होगा। तो यहाँ पे एम माइनस वन, यहाँ का प्लस वन, तो क्या होगा, कॉस का पावर एम हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन तो कॉस का पावर एम बच जाएगा और यहाँ कॉस एन, और फिर फाइनली एम बाई एन भी रहेगा लेकिन माइनस साइन के साथ बाहर में, तो माइनस एम बाई एन कॉस का पावर एम बचा और इनटू में कॉस एन एक्स बचा, ये तो इसके साथ चला गया। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया, और अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट करिए, थोड़ा वीडियो को पीछे करिए फिर देखिए। तो अभी हमारे पास यू एम एन इक्वल टू ये एज इट इज एम बाई एन प्लस में ये माइनस एम बाई एन। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे, क्या ये यू एम एन का मतलब क्या था जी, कि जो क्वेश्चन में था यू एम एन का मतलब यहाँ एम यहाँ एन होना चाहिए। अब वही चीज तो यहाँ भी है, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम माइनस वन है, यहाँ एन माइनस वन है। क्या ये क्वेश्चन के ही जैसा है क्या पूरा, ये जो क्वेश्चन में था इंटीग्रल क्या वही है, बस एम की जगह एम माइनस वन, एम की जगह एन माइनस वन। तो इसको बोल सकते हैं ये दिस इज यू एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में वही चीज कि देखिए कि यू एम एन इक्वल टू दिस एज इट इज जो था एम बाई एन एज इट इज, इसको लिख सकते हैं सिम्बोलिक फॉर्म में यू एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, सिम्बोलिक फॉर्म में माइनस एम बाई एन, इसको तो ये तो क्वेश्चन के ही है, एम है एन है तो यू एम कॉमा एन लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो अब देखिएगा इधर भी यू एम एन है और इधर भी यू एम एन है, तो इस पूरे चीज को इक्वल के इस पार ले आइए तो क्या हो जाएगा, यू एम एन प्लस एम बाई एन यू एम एन, और यू एम एन हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, वन प्लस एम बाई एन बाहर में यू एम एन, वन प्लस एम बाई एन बाहर में यू एम एन। अब दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो है आपका कॉस, ये दिस इज बाई एन और एम बाई एन यू एम एन माइनस एम माइनस वन एन माइनस वन। अरे बस समझ में, इसमें एक स्टेप स्किप कर रहे हैं कि इसको इधर ला रहे हैं फिर कॉमन कर ले रहे हैं यू एम माइनस वन, तो ऐसा बचेगा वन प्लस एम बाई एन, दिस इज रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा एन, और आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं तो नीचे वन है, वन के टाइम्स में आएगा तो ऊपर एन गुना होगा, तो एन प्लस एम बाई एन और यू एम कॉमा एन, और ये एज इट इज यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप इस चीज को उधर भेजेंगे तो नीचे वाला एन ऊपर गुना होगा, यहाँ होगा और यहाँ पे भी होगा एन, और ये एम प्लस एन नीचे आएगा, तो देखिए ये एन ऊपर वाला तो इसको काट देगा, और ये वाला यहाँ एम एन प्लस एन यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस एम, और यहाँ पे भी एम बाई एन प्लस एम या एम प्लस एन, एक ही बात है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि ये एन जब जाएगा ऊपर जाएगा तो ऊपर से इसको काट देगा, यहाँ जाएगा तो उसको काट देगा। अब ये एम प्लस एन नीचे आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी नीचे, तो फाइनली आएगा यू एम एन बराबर ही आ जाएगा कॉस का पावर एम एक्स साइन एन एक्स बाई एम प्लस एन प्लस एम बाई एम बाई एम प्लस एन। ये एन कट गया था उधर के नीचे वाले एन से, आप यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिए ना, देखिए ऐसे ही काट दीजिए यहीं पे, ये वाला यहीं से काट दिया, ये एन ये दोनों मिलकर कॉमन होकर इस एन से कट गया और बाकी एम प्लस एन दोनों के नीचे चला गया, सिंपल। तो वही चीज फाइनली बोलेंगे कि यू एम एन का मतलब क्या था जी, तो यू एम एन का मतलब था कॉस का पावर एम एक्स डी एक्स और कॉस का पावर एम और कॉस एन एक्स एंगल में एन है डी एक्स, इस यू एम एन का मतलब ये था, और दिस इज इक्वल टू दिस और यहाँ एम बाई एन और यहाँ पे यू एम माइनस वन और एन माइनस वन का मतलब कॉस का पावर में एम माइनस वन और कॉस के एंगल में एन माइनस वन डी एक्स। तो विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इसको पूछता, सिर्फ आपसे अगर ये पूछता तो हम वहीं तक ले जा करके छोड़ देते, विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता तो भी ये सारा काम करते और यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखते, क्या लिखते आगे लेकर भी चलते और लिखते नंबर टू के लिए, हालांकि यहाँ के लिए नंबर टू है, बट अगर सिर्फ लिमिट वाला पूछे तो डायरेक्ट हम कंटिन्यू चलते जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट जीरो से पाई बाई टू, तो लिखेंगे कि लेट, उसको जीरो से पाई बाई टू लेने के बाद जो रिजल्ट बनेगा इसको हम क्या नाम दे देंगे कि लेट आई एम एन, आई इंटीग्रल एम एन, जैसे पिछली बार यू एम एन लिए थे बिना लिमिट के, लिमिट के लेने के बाद आई एम एन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कि लेट आई एम एन बराबर दिस, और अपने पास क्या है वी एफ, हमारे पास अभी तुरंत हम निकाल के रखे थे कि कॉस के पावर एम कॉस एन एक्स डी एक्स जो था वो था ये पूरा कॉस का पावर एम साइन एन एक्स बाई एम प्लस एन प्लस एम बाई एम प्लस एन फिर एम माइनस वन एन माइनस वन डी एक्स। लिमिट लेते हैं स्टूडेंट दोनों तरफ जीरो से पाई बाई टू, इधर लिमिट लेते हैं तो इस पूरे पे लिमिट लेना होगा, फिर एम बाई एन जीरो से पाई बाई टू लिमिट लेना होगा इधर भी। नेक्स्ट बच्चों जैसे ही अब पाई बाई टू आप यहाँ पे साइन पर पुट कीजिए यहाँ पे और फिर यहाँ पे पुट करिए, तो कॉस 90 वैल्यू जीरो
तो 0 इनटू समथिंग अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट में साइन 0 तो 0, समझ रहे हैं? तो मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 खत्म, और m बाई m प्लस n ठीक है। अब इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में तुरंत हमने बोला, इसको हम IMN बोल रहे हैं, तुरंत मान चुके हैं ऊपर में, दिस इज IMN, और ये IMN तो m की जगह पे m माइनस 1 n माइनस 1 है, तो क्या होगा IM माइनस 1 n माइनस 1, और उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, IM कॉमा n बराबर होगा m बाई m प्लस n, ये तो खत्म हो गया ना, तो यही बचेगा IMN बराबर m बाई m प्लस n और IM माइनस 1 n माइनस 1, विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ तक जा करके कंप्लीट होगा, क्लियर? अगर लिमिट वाला पूछता है तो शुरू से लेकर के यहाँ तक आएंगे, बस यहाँ पे नंबर 1 2 नहीं देंगे, बाकी सारा चीज करेंगे हम लोग। और अगर सिर्फ नंबर 1 वाला पूछता है तो यहीं तक करेंगे, पर पूछेगा आपसे लिमिट वाला ही, क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? और बाकी आपके लिए जानकारी है कि भाई आप अपने अगले सेमेस्टर्स के प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं आपके अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए, यूट्यूब पर भी हैं हम लोग, तो आप पहले बहुत अच्छे से तरीके से एक बार विजिट करिए हमारे एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर, फिर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एक ऑफलाइन क्लास से बहुत बेहतर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपना अगले सेमेस्टर को क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थैंक यू।